हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सब्जेक्ट मैथ्स। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर बता दूं कि आप मेरे चैनल को नीचे लाल कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि NCERT बुक का चैप्टर 9 है, इसका एक्सरसाइज 9.1 का हम 7th क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ध्यान से चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं NCERT बुक का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिटेंट टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए अपनी नोटबुक पे चलते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन एक और बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से ग्राउंड तक, ये देखिए ये हमारा नोटबुक है, ठीक है। देखिए ध्यान से फिगर समझिए बस। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। इसके ये यहाँ तक है, ठीक है। एक टावर खड़ा है, ठीक है। तो वहाँ से बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन दो बन रहे हैं, ठीक है। एक टावर से बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। और जो यहाँ से बिल्डिंग के कोने से बन रहा है 45 डिग्री, मतलब ये बड़ा वाला एंगल है जो 60 रहेगा और छोटा वाला 45 डिग्री, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो हमें बी डी पता है ना, तो चलिए हम पहले ये निकाल लेते हैं बी सी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 45 इज़ इक्वल टू BD अपॉन BC। BD हमें 20 पता है, इसकी वैल्यू होती है 1, 10 45 की वैल्यू होती है 1। BD हमें पता है 20 मीटर और BC हमें नहीं पता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा देंगे, ठीक है। तो BC आ गया हमारा 20 मीटर। यूनिट ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, 20 मीटर आ गया। अब चलिए हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ, चलिए ऐसे हम निकालते हैं ऐसे। ये देखिए, अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, तो ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी हमें ए में क्या लगाएंगे, 10 60 और ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और 10 60 की वैल्यू होती है √3। हम ए बी के दोस्तों देखिए, ए डी प्लस बी डी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ए डी पूरा है ना, तो ए डी प्लस बी डी भी लिख सकते हैं। तो देखिए ए डी प्लस बी डी और नीचे बी सी, ठीक है। और तो हमें बी सी की वैल्यू हमें यहीं पर निकाल ली थी हमने, ठीक है। तो ये देखिए √3 = AD। हमें देखिए यहाँ पर बी डी की भी वैल्यू पता है, ठीक है। बी डी की जगह बी डी की वैल्यू 20 और बी सी की जगह 20, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 20√3 = AD + 20। अब ये 20 प्लस का इधर आके माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस में आ गया, ठीक है, ए डी। अब ये देखिए 20 20 दो जो गए, तो 20 को कॉमन ले लेते हैं, ये यहाँ पर 1 बचेगा कुछ नहीं है, तो ये ए डी, ठीक है। ये 20 √3 - 1 मीटर, ठीक है। मीटर का भी लगाना मत भूलना, यूनिट का भी लगाना मत भूलना। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी ए डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए प्लीज़।